वेलकम टू बैक माई चैनल हनुमानगढ़ ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे स्प्लेंडर प्लस या एच एफ डिलक्स की टाइमिंग चेन किस तरह चेंज करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, टाइमिंग चेन को चेंज करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टाइमिंग चेंज करना ज़रूरी इसलिए होता है चेंज को, क्योंकि इससे ऑयल पम्प की जो ग्रारी होती है उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि नीचे हार्ड स्प्रिंग लगा देते हैं जिससे कि वो टाइमिंग चेन टाइट होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं टाइमिंग चेन खोलने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आठ नंबर की एक गोटी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको मैगनेट खोलने के लिए एक कैंची पुलर चाहिए और एक मैगनेट पुलर चाहिए। ये मैगनेट पुलर होता है, ये दो आपके आवश्यकता जुड़ी पड़ती है। कोई भी अगर मैगनेट की आपने पैकिंग जो है सॉरी आपने अगर कोई टाइमिंग चेन को चेंज करना है। इसके बाद में आपको एक 14 नंबर गोटी, एक हथौड़ा और कुछ ये औजार पड़ेंगे आपको जरूरी चाहिए होते हैं। तो इन औजारों की सहायता से आप क्या है टाइमिंग चेन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले इन औजारों को रिक्वायरमेंट कर लें अपने पास में, अगर आप चाहते हैं कि हम घर पर टाइमिंग चेन को चेंज करना है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, स्प्लेंडर और एच एफ डिलक्स में 84 लिंक की टाइमिंग चेन होती है, यानी इसके लिंक 84 होते हैं, यानी 84 लिंक होते हैं, ये आप याद कर लें। और ये रोलर है, हाफ रोलर, छोटा रोलर और बड़ा रोलर, ये दो तरह के रोलर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम इस को खोल लेते हैं, चैम्बर को यानी इस प्लेट को ऊपर से, जिससे हम टाइमिंग चेन चेंज कर सकें। बाद में हेड का टाइमिंग ढक्कन होता है, इसके लिए साइड में 10 नंबर बोल्ट होता है जो प्लग साइड में होता है। ये देखो, प्लग के पास में 10 नंबर बोल्ट है। इसको आपने जब इसको लूज़ करोगे, खोलोगे, तो दूसरी तरफ से टाइमिंग का जो ढक्कन हेड का वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँ, कुछ इस तरह से ढक्कन खुल के बाहर आ गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, ये है कैंची कूलर। इस कैंची कूलर को क्या करना है, इसके जो दांत के दो टीथ होते हैं, उन टीथों को आपने यहाँ फसाना है। इसके अंदर ये दो टीथ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, आपको यहाँ फसाना है। ठीक है, यहाँ फसाना है ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। फ्रेंड, ये आप यहाँ के देख रहे हैं, कुछ फ्रेंड इस तरह से, यहाँ से ये दांतों को ऐसे यूं लगा लेना है और इसको आपने यहाँ से लॉक कर देना, पूरा कैंची कूलर को आपको लॉक कर देना। लॉक करने से क्या होगा, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और एक अपनी जगह पे, सही जगह पे फिट रहेंगे। इस तरह से आपने कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये है होंडा का यानी स्प्लेंडर प्लस का मैग्नेट कूलर। इसके सहायता से ही मैग्नेट जो है ये बाहर आएगी। इस मैगनेट को बाहर खोलने के लिए फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है। हमेशा फ्रेंड्स एक बात याद रखें, इसकी चूड़ी जो होती है उल्टी होती है, यानी उल्टी साइड में होती है, जिस तरफ से नट घसा जाता है उस तरफ नहीं, उसके रॉन्ग साइड में दूसरी तरफ होती है। तो फ्रेंड देखो, इस तरह से उल्टी चूड़ी इसकी जो है वो होगी।
जब मैग्नेट कूलर लग जाए तो इसे 24, 28 या 25, 28 चाबी से टाइट कर लेना है। इस पर 24 नंबर चाबी भी लग जाती है और 25 नंबर चाबी भी लग जाती है। मैंने 24 नंबर चाबी से इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसको खोलूँ तो इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो ख़राब ना हो जाए। देखो फ्रेंड्स, इसको उल्टी साइड में जो है जिधर खोलता है मैं उधर कस रहा हूँ। अब मैं इसे आपके सामने दिखाऊंगा किस तरह से इस मैग्नेट पुलर की सहायता से मैं इस मैग्नेट को बाहर निकालता हूं। ये एक बहुत आसान तरीका होता है। अगर एक दो बार अपने किसी बाइक में आप ये काम करेंगे तो आप मैग्नेट पुलर की सहायता से मैग्नेट को खोलना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, टाइमिंग चेंज बदलना बहुत ही आसान वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेसिंग होती है। अगर आप इस ईजी प्रोसेसिंग चलेंगे तो आप टाइमिंग चेन बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं होता, ऐसी कोई उलझने वाली बात नहीं होती कि आप सोचिए कि टाइमिंग चेन बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सिर्फ टॉप सिस्टम का पता होना चाहिए कि टाइमिंग की टॉप कहाँ होती है, पिस्टन का टॉप कहाँ होता है और जो हेड कैम होता है, कैम साफ्ट होती है, उसकी टॉप कहाँ होती है, टाइमिंग अगले गरारी की टॉप कहाँ होती है। बस आपको इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। इसकी नॉलेज के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी इसके दो बोल्ट है, अब मैं इसे पेचकस की सहायता से इन दोनों को बोल्ट को खोल लेता हूँ और बोल्ट को खोलने के बाद में जो ये मैग्नेट प्लेट है और इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके लिए जो टाइमिंग चेंज होती है उस टाइमिंग चेंज को हमने चेंज करना है। देखते रहे मेरी इस वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो टाइमिंग चेंज या किसी बाइक का काम सीख रहे हैं तो इस प्रोसेसिंग इस तरीके से अपनी बाइक का जो है या किसी कस्टमर की बाइक का टाइमिंग चेंज करते में अड़चन आती है तो इस वीडियो को देखकर वे आसानी से टाइमिंग चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपने घर पे। और अगर आप भी अपने बाइक में अगर आप काम नहीं सीखे हो, आप मैकेनिक नहीं है, तो आप इस वीडियो को गौर से देखकर टाइमिंग टॉप का सिस्टम समझकर अपने घर पे ही टाइमिंग चेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि स्प्लेंडर जो बाइकें हैं, हीरो की जो बाइकें हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो टाइमिंग चेंज की आवाज़ की आती है। टाइमिंग चेंज की समस्या जो है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से देखने के बाद में घर पर ही टाइमिंग चेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों बोल्ट खोल लिए हैं और इस बोल्ट को खोलने के बाद में अब इस मैग्नेट प्लेट को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ये टाइमिंग रोलर कट चुका है, ख़राब हो चुका है, हार्ड हो चुका है, इसे फेंक देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। हम नया टाइमिंग रोलर है वो लगाएंगे, टाइट होगा। और दोस्तों, हमेशा के लिए बाइक की टाइमिंग चेंज करें तो उसमें रोलर जो है वो नया ही डालें, पुराना रोलर ना डालें। इससे आपकी बाइक में नोकी की आवाज़ या शिकायत आ सकती है। ये रोलर भी ख़राब है, हार्ड हो गया, इस रोलर को भी निकाल के फेंक दे रहा है। ये ऑयल पंप गरारी है, ठीक है, मैंने चेक किया, ऑयल पंप गरारी सही काम कर रही है, इसे चेंज नहीं करना। हमें सिर्फ टाइमिंग चेंज और दोनों रोलर को ही चेंज करना है। अक्सर यही दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं और यही चीज़ चेंज करनी चाहिए। अगर ऑयल पम्प की गरारी घिस गई हो, दांते ख़राब हो गए हो, टेढ़े हो गए, तो ही आपने ऑयल पम्प गरारी चेंज करनी है, नहीं तो और कुछ चेंज नहीं करना है। इसके अलावा आप नीचे जो है हर चीज़ को पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लें, कोई पार्ट्स ख़राब तो नहीं हो गया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम टाइमिंग चेंज जब चेंज करते हैं तो कुछ और पार्ट्स चेक नहीं करते हैं, जिससे बाद में हमें समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो आप कभी भी कोई भी काम करें किसी बाइक का तो सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक कर लिया करो। इसके बाद जो हेड में कैम साफ्ट है उसको फ्री कर लें प्लास से, कुछ इस तरह से। यानी वो कैम साफ्ट जो है वो इजी खोल घूमनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों अब मैंने नई टाइमिंग चेन ले ली है। ये रोलन कंपनी की टाइमिंग चेन है जो कि चेन के मामले में अच्छी और ओरिजिनल कंपनी की चेन होती है, इसमें कोई शिकायत नहीं आती। अगर आप टाइमिंग चेन डालना चाहें तो रोलन कंपनी की टाइमिंग चेन डाल सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है। अब इसके बाद टाइमिंग चेन जो हमने नई ली है उसको किसी तार के माध्यम से यहाँ से होते हुए आगे हेड से निकालनी है। कोई तार ले लें या फिर कोई आप तांबे की या नुकीली तिखी चीज ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ये तार लिए तांबे की, इसे मैं टाइमिंग चेन से बांध लिया है और अब यहाँ से इस तरह अंदर डाल रहा हूँ और आगे जो हेड है वहाँ से ये तार आगे की तरफ आ जाएगी और टाइमिंग चेन वहाँ से खींच लूँगा मैं। इससे होता क्या है कि जब हम टाइमिंग चेन यहाँ से खींचते हैं तो टाइमिंग चेन बिल्कुल आगे हेड से निकल जाती है और कहीं रास्ते में रुकती नहीं है और हमें टाइमिंग चेन डालने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, जब ये टाइमिंग चेन यहाँ से आगे आ जाए तो आप क्या करें, एक छोटा रोलर भी लगा दें, बड़ा रोलर भी लगा दें। तो फ्रेंड्स आप देखते रहे रोलर कहाँ लगते हैं। रोलर, ये रोलर जो फर्स्ट है, मैंने जो ये रोलर है ऊपर रख दिया, आप देखते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज़ जो होती है सीखने की होती है। अगर आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे तो भविष्य में कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। ये रोलर बड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ हीरो लिखा हुआ, ये आगे कहाँ लगेगा। ये फ्रेंड्स हीरो का मैंने अगले हेड कैम साउट से मैं अंदर थोड़ा डाल रहा हूँ। यहाँ एक सुराख होता है जिसके अंदर से 10 नंबर का नट लगता है फ्रेंड्स, ये देखो सुराख, इस जगह पे नट जो है बोल्ट लगाया जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ से आगे धकेल दिया है और ये बिल्कुल पीछे की तरफ जाता हुआ हेड के अंदर उस जगह लग गया है जहाँ कि मैंने ये 10 नंबर का बोल्ट जो लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोल्ट कुछ इस तरह का होता है, आगे से बिल्कुल ही प्लेन होता है, पीछे से उस पर 10 नंबर चुईट लगी होती है। अब मैंने उस जो मैंने रोलर डाला है, बड़े वाला जो रोलर डाला है, उस रोलर को मैंने इस सुराख के सीध में ले लिया, जो सुराख आप बीच में देख रहे हैं 10 नंबर का। यहाँ मैंने उस रोलर के सीध में सुराख में लेकर मैंने इस बोल्ट को वहाँ टाइट कर देना है, जिससे कि अंदर का रोलर उसी जगह पर फिक्स हो जाएगा और ये टाइमिंग चेन को जो है ऊपर से नीचे जो है टाइट रखेगा, यानी कि फ्री घुमाता रहेगा। तो फ्रेंड्स होता क्या, अक्सर जो टाइमिंग चेन की आवाज़ आती है, टाइमिंग चेन सही होती है, ये रोलर जो होता है इनके घस जाने से, इनके हार्ड हो जाने से भी टाइमिंग चेन जो आवाज़ करने लग जाती है। तो इसलिए कभी भी आप टाइमिंग चेन चेंज करो तो आपको फिर कहता हूँ कि टाइमिंग चेन चेंज करने के बाद में इन दोनों रोलर को बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे आवाज़ बाइक की बड़ी स्मूथ और अच्छी होती है। अब मैंने इसको ले लिया है, अब मैं इसका जो बोल्ट है वो टाइट करने जा रहा हूँ। ये मैं 10 नंबर गोटी के सहायता से इस बोल्ट को मैंने टाइट कर दिया है। अब जो छोटा रोलर बचा था फ्रेंड, जो कि मैंने इंजन के ऊपर रखा था, अभी आपके सामने मैंने इस जगह यहाँ लगा दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसको किस तरफ लगाना है, आप चाहे इधर भी लगा सकते हैं चाहे उधर लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका कोई खास निशान नहीं होता। अब यह है मैग्नेट फ्रेंड्स, ये होता है टॉप का निशान, जो कि मैंने टॉप के निशान में लगाना होता है। ये टी के पास भी जो डंडा लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है, इसको आपने टॉप के सीध में करना होता है। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये मैग्नेट के मैं जो क्रैंक शाफ्ट जो क्रैंक है, मैं क्रैंक के अंदर जो है काटर लगी हुई, मैं इसके अंदर फिक्स कर रहा हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ टॉप होता क्या, कि टॉप का मतलब होता है कि पिस्टन बिल्कुल ऊपर आ जाता है, मतलब बिल्कुल ऊपर टॉप सिस्टम है, यानी जो सिलेंडर गेट होता है सबसे ऊंचा ऊपर उठा होता है, उस जगह पर वो पिस्टन जो होता है आ चुका होता है, तो इसे कहते हैं टॉप। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये टॉप का निशान आपको दिख रहा है चैम्बर के अंदर, कट का निशान, और ये टी उसके मैंने बिल्कुल इक्वल में कर दिया है। ये इक्वल जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पिस्टन बिल्कुल ऊपर है, टॉप के अंदर है। ये निशान आपको दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको, हाँ अब मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ब्लर हो गया था। अब ये टी का निशान मैंने उस निशान के कट के बराबर कर लिया है। यहाँ जो पिस्टन का जो साइड है वो मैंने टॉप में ले लिया है। अब बारी है ऊपर हेड के अंदर टाइमिंग चेन की गरारी की टॉप में लाना। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो टाइमिंग चेन का ऊपर जो साफ्ट है कैम की, वो इजी घूमनी चाहिए, यानी कि अंदर जो है वो सही तरह से वर्क करनी चाहिए, ऊपर नीचे से ही घूमनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और ये मैंने अब तार को खोल रहा हूँ जो टाइमिंग चेन से मैंने बांधी थी, क्योंकि मेरा टाइमिंग चेन जो ऊपर आ चुकी है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब मैंने यहाँ, ये आपको एक निशान दिख रहा होगा बिंदु का, ये बिंदु जो ये टॉप का निशान है, इसे कहते हैं टॉप में लाना। इस निशान के जरिए ही हेड का टॉप जो है वो टॉप में आता है, टाइमिंग चेन का टॉप जो है वो टॉप में आता है। नीचे तो मैग्नेट हमने टॉप में ला दी, अब टाइमिंग चेन की बारी है, हम इसे टॉप में ला रहे हैं। आप देखते रहे इस वीडियो में किस तरह से मैं इसे, मैं फिर से आपको नज़दीक करके टाइमिंग चेन गरारी की बिंदु का निशान दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये होता है वो बिंदु का निशान, जिसे हम टॉप को चेक करते हैं, यानी टॉप को जानते हैं कि टॉप कैसे सेट करें।
तो अब मैं ये जो निशान है अभी मैं टाइमिंग जॉइंट लगा रहा हूँ, आप देखें बारीक पेचकस की सहायता से मैं इस टाइमिंग चेन के अंदर इस गिरारी को फंसा लेता हूँ और कोशिश फ्रेंड्स ये करूँगा कि ये टॉप में आए। आप देखते रहें इस वीडियो को, आप समझ जाएंगे कि टाइमिंग चेन किस तरह और टॉप सिस्टम क्या होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बिना स्किप करें तो फ्रेंड्स मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको भविष्य में कभी टाइमिंग चेन डालने में दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पर आप कॉमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। अब यहाँ जहाँ मैंने पेचकस लगाया ये टॉप का निशान है फ्रेंड्स, यानी इसके अंदर बिंदु का निशान है, लेकिन आपको बताऊं हेड के अंदर जो टॉप होता है वो इसका निशान लगा होता है कट का, वो जो कट का निशान है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो निशान जो है आपको दिख रहा होगा शायद किस जगह आप, ये जो निशान है ये आपको दिख रहा है, ये टॉप का निशान है हेड के अंदर। इस बिंदु को हमने जो है उस जगह लाना है जो कट का निशान है। इसके लिए एक हाथ से आप टाइमिंग चेन पकड़ ले और इस गरारी को जो धीरे धीरे टाइमिंग चेन है वो ऊपर चढ़ा चढ़ा कर धीरे धीरे बदल सकते हैं, इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं जो टाइमिंग चेन होती है उसे हिला हिला कर। तो फ्रेंड्स आप बने रहे मेरे इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊँ तो नेक्स्ट टाइम उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच जाए। तो देखो मेरे फ्रेंड किस तरह से टाइमिंग जो है चेन को ऊपर से नीचे करके बिंदु का निशान जो है वो सीध में ला रहा हूँ जहाँ टॉप का निशान बना होता है। तो आप देखते रहे इस वीडियो के अंदर किस तरह से मैं टाइमिंग चेन को धीरे धीरे टाइमिंग ऊपर नीचे करके जो है टॉप में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस तरह से टाइमिंग चेन को टॉप में ला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, बड़ा ईजी वर्क है। तो फ्रेंड्स अब मैंने टॉप में ले आया हूँ, अब मैं मैगनेट साइड का चेक कर रहा हूँ टॉप के अंदर है और ऊपर का जो टाइमिंग चेन का टॉप का है वो भी मैं इक्वल में ले आया हूँ। देखो आपको, और यहाँ मैं इसके जो 8 नंबर बोल्ट है वो भी टाइट कर दूँगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये टी बिल्कुल कट के बराबर है और ये बिंदु का निशान भी बिल्कुल इस कट के बराबर है, यानी कि ऊपर टाइमिंग चेन भी टॉप के अंदर है और नीचे जो मैग्नेट है वो भी टॉप के अंदर है। ये बिंदु का निशान उस कट के बराबर होना चाहिए और टाइमिंग का, और बीच वाला मैंने इस नट पर नट को जो है बोल्ट को टाइट भी कर दिया है। फ्रेंड्स ये देखो ये निशान उस कट के बिल्कुल बराबर है जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको कट दिख रहा है और नीचे का डंडा टी दिख रहा है, दोनों बराबर हैं। तो अब ये बाइक में टाइमिंग चेन जो है बिल्कुल फिट हो चुकी है, ओके हो चुकी है, यानी टाइमिंग टॉप में आ चुकी है, टाइमिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। अब सिर्फ इसका एक काम बचता है, वो काम ये कि अब इसको जल्दी जितने भी नाइट इसके जो नट बोल्ट हैं उसको टाइट कर लेते हैं और जिससे फिटिंग होती है उसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद में फ्रेंड्स इसकी टाइमिंग चेन जो है ओके हो जाएगी और साउंड बाइक का इतना अच्छा होगा कि जैसे आप किसी कंपनी से निकलवा कर लाएँ, क्योंकि टाइमिंग चेन के काम होने के बाद में बाइक की जो आवाज़ होता है बहुत अच्छी होती है। देखो मैंने ये आपके सामने मैगनेट को मैगनेट टाइट कस दी है, ऊपर मैगनेट भी लगा दिया है और 14 नंबर बोल्ट को भी टाइट कर रहा हूँ, ऊपर सब कुछ टाइट करके अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड स्टार्ट करने के बाद में मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि आपका एक सब्सक्राइब फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन करेगा और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। मुझे कुछ उम्मीद और मुझे कुछ ताजगी मिलेगी, मुझे फ्रेशपन होगा कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं। आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप काम सीख रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप मुझे कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स ये नीचे जो होता है ये टाइमिंग चेन का नीचे वाला स्प्रिंग होता है, थोड़ा इस तरह खींच कर टाइट कर लें और टाइट करके जो इस तरह से आपने
नीचे से लगा देना, ये बड़ा इजी प्रोसेसिंग है। ये है आपको इतना मैं समझता हूँ कि बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है जब आप खोलेंगे तो समझ जाएंगे मैंने किस जगह से क्या खोला है, तो आप उस तरह फिट कर सकते हैं। अब इसे पेट्रोल की सहायता से वॉश कर रहा हूँ और इस टाइमिंग चैन को नीचे से जो है बांसुरी से कहा जाता है, हुसैन गाइडर कहा जाता है, इसको ऊपर लगा कर इसको टाइट कर लेंगे, उसके बाद में बाइक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरह से ओके हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और इसके अलावा मैं अपनी वीडियो में हर तरह की ऐसी बाइकअप के बारे में रिलेक्टिव वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको बेल आइकन को दबा देंगे तो उस तरह की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मैं इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया इस टाइमिंग चैन को, स्प्रिंग को और गाइड को, अब मैं इसके अंदर इसको लगाने वाला हूँ। आप बने रहे मेरी सीट। लाइन लो खड़ा।